दोस्तों, दुनिया के लिए आज सबसे बड़ा खतरा बन चुका कोरोना वायरस अब भारत में भी कुछ हिस्सों तक आ पहुंचा है और अब भारत इस वायरस के लिए लड़ाई शुरू कर चुका है। कोरोना को हराने के लिए सावधानी बरतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी तक कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बचाव के लिए कोई दवाई नहीं बनी है। दोस्तों, जब अगर इसकी कोई दवा नहीं बनी है तो इसका बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी और अगर आप सावधानी बरतते हैं और सावधानी के आधार पर चलते हैं तो ही आप इस वायरस से बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। नंबर एक, हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि जो किसी के छूने से आप तक पहुंचती है या फिर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है, अगर वो कहीं हाथ लगा देता है और उसी जगह के ऊपर आप भी हाथ लगाते हैं तो आपको भी ये बीमारी होने का खतरा है। इसलिए हाथों को बार बार साबुन से और पानी से धोएं या फिर आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। नंबर दो, खांसते और छींकते वक्त डिस्पोजल टिश्यू का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये बीमारी खांसी के जरिए या छींक के जरिए भी एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। इसलिए जब भी आप कभी खांसते हैं या छींकते हैं तो डिस्पोजल टिश्यू का आप इस्तेमाल करें ताकि ये बीमारी किसी और तक ना पहुंचे। नंबर तीन, इस्तेमाल किए गए टिश्यू को फेंक दें, इसके बाद हाथ धोएं। दोस्तों, जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो उस समय जब आप कोई टिश्यू इस्तेमाल करते हैं तो एक टिश्यू को आप एक बार इस्तेमाल करें और उसके बाद उसको फेंक दें और उसके बाद आप हाथ धोएं। नंबर चार, टिश्यू नहीं है तो छींकते और खांसते वक्त अपने बाजू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी खांसते हैं छींकते हैं और अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आप अपने बाजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बाजू के इस्तेमाल से अपने मुंह और नाक को ढकें। नंबर पाँच, बिना हाथ धोए अपने आँखों, नाक और मुँह को न छुएं। जब भी कभी आप इधर उधर घूमते हैं या कहीं जा रहे हैं या घर में बैठे हैं तो बिना कोई कारण के अपने हाथ मुंह को अपने हाथों से ना छुएं। जब भी अगर आप अपने मुंह को, नाक या आंखों को छूते हैं तो उससे पहले एक बार हाथ अच्छे से धो लें। हाथ धोने के बाद ही अपने आंख, नाक और मुंह को छुएं। अगर आप बिना हाथ धोए अपने आंख, नाक और मुंह को छुएंगे तो आप भी इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए अभी तक दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया कि इसका कोई इलाज नहीं हुआ है, इसकी कोई दवा नहीं बनी है, बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। नंबर छः, जो बीमार है उनके संपर्क में न आने की पूरी पूरी कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है या वैसे कोई और दूसरी कोई इसको बीमारी है, उसका अभी कोई क्लियर नहीं हुआ, तो आप उस व्यक्ति के संपर्क में कम से कम आने की कोशिश करें, क्योंकि क्या पता उसको कोरोना वायरस से वो पीड़ित हो और उसके संपर्क में आने से आपको भी कोरोना वायरस फैल सकता है। इसलिए दोस्तों, इससे बचने के लिए आप जो भी बीमार व्यक्ति है उसके संपर्क में कम से कम आने की कोशिश करें ताकि आप इस बीमारी से बचे रहें। दोस्तों, ये छह उपाय थे जिनके ज़रिए आप कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, कॉमेंट ज़रूर करना। साथ के साथ हमारे ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों।